है आप सभी का माता गुजरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर टॉपिक मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये क्लियरली पता भी है कि जब इंडिया अंग्रेजी सल्तनत का गुलाम रहा तो उस समय इस संस्कृति ने या इस मुद्रण संस्कृति ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यह मुद्रण संस्कृति का प्रचलन कैसे हुआ, कैसे इंडिया में इस संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कि यह संस्कृति या यह प्रथा या इस मुद्रण संस्कृति का मीनिंग क्या है। मुद्रण मीनिंग छपी हुई कोई सामग्री, मुद्रण मुद्रण संस्कृति। इस संस्कृति का जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, कि इस छपी हुई सामग्री का प्रयोग करना या ऐसा जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिखित रूप में हो उसको कहा जाता है मुद्रण संस्कृति। यह संस्कृति कैसे विकसित हुई, कैसे इसका विकास हुआ, कि सबसे पहले यह संस्कृति या इस जो कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ वो चीन देश से हुआ है। चीन में 594 ईस्वी में इस संस्कृति का प्रचलन हुआ। धीरे धीरे अदर कंट्रीज में इस संस्कृति का विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया इस संस्कृति का, कि वहाँ से इस संस्कृति का आगे प्रसार प्रसार अदर कंट्री में होता गया। तो फिर यह संस्कृति इंडिया में काफ़ी समय के बाद, जैसे यहाँ चीन में छठी शताब्दी में या अदर कंट्री में उसके बाद ये डेवलपमेंट होती थी, इंडिया में ये 16वीं शताब्दी में इस संस्कृति का प्रचलन हुआ। और कौन इस संस्कृति को लेकर आए? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर इस संस्कृति का प्रचलन किया, यह संस्कृति को विकसित किया। सोलहवीं शताब्दी में यह संस्कृति इंडिया में आई और कौन लेके आया इसको? पुर्तगाली। अब गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, जहाँ से आगे फिर इस संस्कृति का पूरे देश में प्रचलन हुआ। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों इसकी स्टार्टिंग, कि कैसे यह संस्कृति विकसित हुई, किस कंट्री से हुई और कैसे इंडिया में आगे जो इस संस्कृति का डेवलपमेंट होता गया। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पहले जो क्लासेस या पहले हमने लेसन रीड किया है उनमें या जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें, कि कैसे अंग्रेजी शासन ने अपना जो शासन है वो लंबे समय तक इंडिया पे बना के रखा और कैसे एक लंबे समय तक वो भारतीय जनता पर अपना शासन कर सके। तो इस संस्कृति जो मुद्रण संस्कृति ने अंग्रेजी शासन उसके खिलाफ उस समय अपने असंतोष को व्यक्त किया, लोगों के असंतोष को संस्कृति के माध्यम से, मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से व्यक्त किया। तो अंग्रेजी सरकार ने भी उनके खिलाफ काफ़ी हार्ड एक्शन लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मुद्रण संस्कृति के लिए या मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं के लिए या महिला वर्ग के लिए क्या योगदान दिया, जो इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन है
कि मुद्रा संस्कृति के प्रसार से पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से जो लेडीज या ऐसा ग्रुप जो वंचित था पढ़ने लिखने के लिए या जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी या अदर जो समाज के इक्वल मैन से जो प्रॉपर जो उनको राइट्स थे आदमी को या पुरुष वर्ग को कहेंगे कि उनके मुकाबले लेडीज ग्रुप को वो राइट नहीं थे और इन पुस्तकों के माध्यम से महिलाएं या महिलाओं के वर्ग के लिए अलग अलग फैसिलिटी उनको मिलने लगी। ऐसी महिलाओं ने पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों के माध्यम से उन लेडीज ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट थी उनको वहाँ पर उन्होंने रखा जो सरकार के सामने या समाज के सामने। उन्हें लगा कि अगर जेंट्स अपने राइट को प्राप्त कर सकते हैं तो लेडीज भी इको राइट में प्रॉपर है, उन्हें भी बराबर के राइट्स हैं। तो उन्होंने उन पुस्तकों के माध्यम से अपने राइट्स को रखा और इस पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपने इन राइट्स को भी सेव भी किया। ये थी महिला वर्ग के लिए। अलग अलग महिलाओं ने अलग अलग इस फील्ड में भूमिका निभाई, उन्होंने पुस्तकें लिखी, उनके माध्यम से पुस्तकों के माध्यम से लेडीज जो वर्ग है उनको अपनी राइट्स के बारे में जानकारी हुई, धीरे धीरे वो पढ़ने लिखने लगी और उसके बाद वो नौकरी वगैरह जो सिस्टम है उनमें भी उनका प्रचार प्रसार होने लगा। उसके बाद जो पॉइंट है इसमें गरीब जनता की पुस्तकों ने या मुद्रा संस्कृति के लिए गरीब जनता के फील्ड में क्या योगदान रहा। मुद्रा संस्कृति ने एक गरीब जनता के वर्ग के लिए क्या योगदान दिया कि मुद्रा संस्कृति से देश की गरीब जनता तथा मजदूर वर्ग को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय जो मजदूर बड़े बड़े कारखानों में काम करते थे उन कारखानों में उनके जो राइट्स थे वो उनके मालिक उनके जो कारखानों के ओनर्स थे उनको प्रेशराइज करके रखते थे, ज़्यादा समय उनसे काम लिया जाता था। और इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स कि वो नशे में लिप्त थे या अदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन पुस्तकों के माध्यम से उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला और राइट्स से उनको अपने उन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी स्थिति को और इम्प्रूव किया। उन्हें लगा कि अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा, इन चीज़ों को लीव कर दिया जाएगा तो उनकी स्थिति बेटर रहेगी। कुछ सुधारवादी लेखकों की पुस्तकें मजदूरों जो उनमें जात भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए उन पुस्तकों में आह्वान किया गया, उन पुस्तकों में मैसेज दिए गए और धर्म के अगेंस्ट या एक तो धर्म का भेदभाव रिलीजनिज्म कहेंगे कि जो उस समय समाज में व्याप्त था इन पुस्तकों ने उनको भी लोगों में छोड़ने के लिए लोगों को आह्वान किया, लोगों को प्रेरित किया कि कैसे ये सब जो ईविल्स वो हमारी सोसाइटी को डे बाय डे लो लेवल पे लेके आ रही हैं। सुधार उसके बाद है सुधार कि उस समय जो समाज सुधारक देश को आज़ाद कराने के लगे उनके लिए लगे हुए थे या देश की बुराइयों को दूर करने के लिए लगे हुए थे उनके लिए मुद्रा संस्कृति ने क्या योगदान दिया। इनमें डियर स्टूडेंट्स कि जैसे एक व्यक्ति अगर पूरे देश में अपने विचार फैलाना चाहता है विदाउट एनी सोर्सेस तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लेकिन मुद्रा संस्कृति के प्रचार प्रसार से यह काफ़ी ईजी रहा क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा जो विचार थे या बड़े बड़े सुधार समाज सुधारकों के विचार थे वो ईजिली और काफ़ी कम समय में लोगों को प्रोवाइड करवाए गए और लोगों तक उनके मैसेज को बहुत जल्दी पहुंचाया गया। ये जो समाज सुधारकों के लिए मुद्रा संस्कृति का सबसे बड़ा इफेक्ट रहा या बेनिफिशियल रही जो मुद्रा संस्कृति समाज सुधारकों के लिए। उन्होंने हिंदू समाज या धर्म सुधारकों जैसे कि विधवा विवाह मूर्ति पूजा ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाई, वही मुस्लिम समाजकों ने सुधारकों ने दैनिक जीवन के तरीकों तथा इस्लामी सिद्धांतों के अर्थ समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। मैंने कहा कि एक अच्छी सोसाइटी की फाउंड जो उन्होंने रखी या लोगों को एक अच्छा संदेश दिया। ये था तीन वर्ग कि इन तीनों वर्गों के लिए मुद्रा संस्कृति ने क्या योगदान दिया। नेक्स्ट एडियसनेस कि मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद के लिए क्या योगदान दिया? कि मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की या भूमिका निभाई। अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने ऐसी पुस्तकों की रचना की जो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को एक राह दिखा सके, उनको प्रेरित कर सके कि कैसे अंग्रेजी शासन आपका शोषण कर रही है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने लंबे समय तक इंडिया पे अपना शासन किया है और अलग अलग तरीक़ों से लोगों को उन्होंने कनेक्ट करके रखा, उनको जोड़ के रखा, उनको ऐसा लगने नहीं दिया कि अंग्रेजी सरकार आपकी हितैषी नहीं है। लेकिन इन समाज सुधारकों ने पुस्तकों के माध्यम से इस राष्ट्रवाद की फीलिंग को लोगों के हृदयों में मजबूत किया। यह संस्कृति, मुद्रा संस्कृति, लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग को एक्सटेंड करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही। और इन पुस्तकों में बंकिम चंद्र चटर्जी के चट्टोपाध्याय के पास आनंद मठ ने लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया, लोगों को एकजुट किया, लोगों को ये दिखाया कि हम सब एक हैं, हमारा जो इंडिया एक है और हमने बहुत जल्दी अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाना है। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया, मैंने कहा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया ताकि लोग सभी एकजुट होकर उस अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त कर सके। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू आदि जो उस समय न्यूज़पेपर थे, उन्होंने या उस सभी न्यूज़पेपर्स ने लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको और एक्सटेंड किया। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, लेखकों ने अपनी कविताएं, अपने आर्टिकल्स उन न्यूज़पेपर में, मैगजीन में दिए और लोगों को मोटिवेट किया कि कैसा एक ऐसा शासन जो क्रूरतापूर्ण उसको एंड किया जा सके और लोगों का लोकतंत्र या लोगों के अपने शासन की स्थापना उनको एस्टैब्लिश किया जा सके, ऐसा शासन जो लोगों की डिजायर अनुसार चलाया जा सके। और काफ़ी जो बड़ा रोल इस मुद्रा संस्कृति का राष्ट्रवाद की फीलिंग को मजबूत करने में रहा। इससे लोगों को पता चला कि अंग्रेजी सरकार बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करके लोगों पर एक क्रूरतापूर्ण शासन स्थापित कर रही है, यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट वो कमा के अपनी कंट्री को मजबूत कर रही है, डे बाय डे वो इस शोषण को और इंक्रीज करती जा रही है। ये था डियर स्टूडेंट्स की राष्ट्रवाद की फीलिंग को मुद्रा संस्कृति ने कैसे मजबूत किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास कि कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रा संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। इसी क्रांति जैसे ये यहाँ इंडिया से रिलेटेड अदर कंट्रीज में जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं थी, वहाँ पे भी मुद्रा संस्कृति ने लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग को या वहाँ के जो क्रूरतापूर्ण शासन से मुक्ति दिलवाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इस मुद्रा संस्कृति का रहा। डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से डिस्कस करते हैं कि मुद्रा संस्कृति का सबसे पहले मीनिंग क्या है, कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो लिखित रूप में उपलब्ध हो उसको कहा जाता है मुद्रण संस्कृति। इसमें मैगजीन, न्यूज़पेपर, यानी जो एडिटिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सभी मुद्रा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और इन संस्कृति ने या इस संस्कृति का विकास कैसे हुआ, यह संस्कृति सबसे पहले चीन से डेवलप हुई, धीरे धीरे अदर कंट्री में इसका प्रचार प्रसार होता गया, इंडिया में यह जो सभ्यता है या इस संस्कृति को कहेंगे कल्चर को वो 16वीं शताब्दी में आई और पुर्तगाली इसको लेके आए, सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, उसके बाद अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार होता गया। फिर हमने डिस्कस किया कि इस संस्कृति का या इस संस्कृति ने अलग अलग फील्ड के लिए क्या योगदान दिया, जैसे महिलाएं, हमने डिस्कस किया कि महिलाओं को बराबर के राइट नहीं थे, उन्हें अपने हक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी, उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लाइक कि उन्हें घर परिवार से तंग किया जाता था, उनके परिवार फैमिली मेम्बर से, या उन्हें ये समझा जाता कि लेडीज़ केवल ओनली घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद रह सकती है। लेकिन इन बुक्स के लेखकों ने पूरी सोसाइटी के
रंग रूप को चेंज किया, इस सोसाइटी की पूरी रूपरेखा को चेंज किया और लेडीज को यह दिखाया कि अगर आप अपने बराबर के इक्वल राइट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह राह पे चलना पड़ेगा, आप भी इस सोसाइटी के इस समाज के बराबर के हकदार हो। जैसे जेंट्स को बराबर राइट है, वैसे एक लेडीज ग्रुप को भी बराबर के राइट है। इस मुद्रा संस्कृति से उस वर्ग के लिए, इस लेडीज ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ा योगदान रहा और काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिले। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि गरीब जनता के लिए क्या योगदान रहा। गरीब जनता की उस समय जैसे कि कारखानों में काम करती थी या अदर काफ़ी फील्ड थे जहाँ पे वो गरीब जनता अपने आजीविका कमाने का साधन था उस समय जहाँ पे वो काम करते थे, और वह उनकी ज़िंदगी, उनकी जो डेली लाइफ थी वो काफ़ी क्रूशल कहेंगे उस हम उसको, कि नशे में लिप्त थे या अदर ईवल्स थी। इन पुस्तकों ने उन लोगों को अवेयर किया कि अगर आप इन सब ईवल्स को छोड़ते हो, इन जो फालतू के कस्टम्स ट्रेडिशन को छोड़ते हो जिससे आपकी जो सोसाइटी है, आपकी कंडीशन है वो डे बाई डे इम्प्रूव होगी। उन लोगों को बराबर के राइट के बारे में जानकारी दी कि अब अगर आप इतना वर्क करते हो तो आपको इतनी पे स्केल आपको मिलना चाहिए, आप इसके हकदार हो। और गरीब जनता के लिए सबसे बड़ा योगदान यह देखने को मिला स्टूडेंट्स कि उस समय गरीब जनता के पास इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए या इन पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी जो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इन महंगी पुस्तकों को खरीद सके, क्योंकि तो स्टार्टिंग में जब प्रिंटिंग प्रेस का प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ था तो इन पुस्तकों को खरीदने के लिए उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इन महंगी पुस्तकों को वो सेल या सॉरी खरीद नहीं कर सकते थे, जिससे कि वो ग्रुप पुस्तकों को पढ़ने से वंचित था। लेकिन जैसे जैसे मुद्रा संस्कृति का प्रचार प्रसार होता गया, प्रिंटिंग प्रेस धड़ाधड़ कहेंगे कि ज़्यादा क्वांटिटी में उन पुस्तकों को तैयार करने लगी, उन मैगजीन को तैयार करने लगी, न्यूज़पेपर को निकालने लगी, और इससे क्या हुआ कि आम जनता की पहुँच तक वो पुस्तकें या उनको प्रोवाइड होने लगी, ईजिली उनके पास ये पुस्तकें प्राप्त हुई, जिससे उनको पढ़ के उन्होंने अपनी सोसाइटी में जो उनकी कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया। थर्ड था हमारे पास कि सुधारकों ने इसके लिए क्या, या सुधारकों के लिए मुद्रा संस्कृति ने क्या योगदान किया, कि वे सुधारक जो समाज सुधारक उस समय देश को याद कराने के लिए भी लगे हुए थे, और जो देश में व्याप्त ईवल्स थी, रेडिएशन थे, कस्टम्स थी, उन सबको दूर करने के लिए वो लगे हुए थे। मुद्रा संस्कृति के प्रचार प्रसार से इन सब को रोकने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि बहुत जल्दी उन लेखकों ने, उन समाज सुधारकों ने अपने विचारों को पूरे समाज में फैलाया, क्योंकि बिना सोर्सेस, विदाउट सोर्सेस, इतनी जल्दी एक ही आदमी के विचारों को पूरी जनता में फैलाना काफ़ी हार्ड वर्क था। लेकिन जैसे जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर या अदर जो सोर्सेस थे जो मुद्रा संस्कृति के, उन्होंने इस काम को काफ़ी इजीली किया। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने राष्ट्रवाद की जो डिस्कस किया था कि राष्ट्रवाद के लिए इस संस्कृति ने क्या योगदान किया, राष्ट्रवाद की जैसे अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लोगों को अवेयर किया कि कैसे अंग्रेजी शासन हमारे देश का शोषण कर रही है, अगर आप पूरी एकजुटता से इस साम्राज्य का, इस सरकार का फेस करते हो, इस सरकार को फेस करते हो एकजुटता से, तो आप पूरे शासन से या इस क्रूरतापूर्ण शासन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, इस लेसन को मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड लेसन को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स वेरी मच।